हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन द होम कमिंग के बारे में, उसके इंडिया के फर्स्ट डे के, वो भी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट अच्छी खासी आ रही है और आपको अगर मैं कहूँ कि 40% तक की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट मॉर्निंग शो की आई है ऑल ओवर इंडिया की, तो आप जरूर शॉक हो जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही है, इंडिया में करीबन करीबन बहुत ज़्यादा प्रमोशंस किया गया है इस मूवी का, और नहीं भी करते तो कोई बुरी बात नहीं होती क्योंकि इस फिल्म को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑडियंस पसंद करती है। इस फिल्म की स्पाइडरमैन सबसे फेमस आई थिंक सुपर हीरो हमेशा से ही रहा है बॉलीवुड के स्टार्स के लिए, लोगों के लिए। वहीं अगर देखा जाए इस फिल्म में जो लीड एक्टर है जो स्पाइडरमैन का रोल निभा रहे हैं उनके बारे में बता दूं, टॉम हॉलैंड इस फिल्म में रोल निभा रहे हैं जो बहुत ही अच्छे एक्टर है। और आपने जो लास्ट फिल्म आई थी एवेंजर्स की, उसमें एक छोटा सा रोल देखा होगा, स्पाइडरमैन बने थे, वही टॉम हॉलैंड इस फिल्म में भी नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये फिल्म का बज स्ट्रांग है, रिस्पॉन्स स्ट्रांग है, और 40% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी का मतलब ये भी है कि ये फिल्म 5 से 6 करोड़ से मैं तो कमी बोल रहा हूँ शायद, लेकिन हाँ 5 से 6 करोड़ से ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि स्क्रीन काउंट आई थिंक कम मिला है थोड़ा, लेकिन आराम से 5-6 करोड़ तो कमा लेगी मेरे ख्याल से। उससे कम तो नहीं कमाएगी, उससे ज़्यादा ही कमाएगी पहले दिन, मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए। और आपको कितनी खुशी है जान के कि ये फिल्म एक अच्छी खासी फिल्म साबित होने वाली है और हिंदी फिल्म मॉम को भी काफ़ी टक्कर देने वाली है। आप कितने खुश है इसके ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट से इंडिया के, आप जरूर बता सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी देखने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcrazies.com पे भी विजिट करना ना भूलें। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।